हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट एग्जाम जून 2023 जो हमारी 7 मई को हो चुकी है, और इस एग्जाम की अगर हम बात करने जाए तो स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। बिकॉज लास्ट टाइम पे जब एग्जाम हुई थी सीएसआर नेट की, तो बहुत सारी जगह पे सर्वर का इशू था, इंटरनेट का इशू था, लाइट का इशू था, सेटिंग अरेंजमेंट का इशू था। लेकिन इस टाइम का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में कहीं पे भी ऐसा कोई भी इशू नहीं अब तक मिला है। तो ये एक बहुत फेयर गेम हुई है स्टूडेंट्स के साथ, अच्छी तरीके से सीएसआर नेट एग्जाम कंडक्ट हुई है। और इस एग्जाम का अगर हम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स अगर देखने जाए, तो आपको भी पता चल चुका होगा कि सीएसआर नेट के जो इस साल की एग्जाम हुई थी, वो एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी गई है। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में लीनियर अलजेब्रा का जो सब्जेक्ट था, उसमें से काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मिले थे, लेकिन इस अटेम्प्ट में लीनियर अलजेब्रा भी काफी अच्छी तरीके से पूछा गया था और काफी आसान क्वेश्चन उसमें से आए थे। कॉम्प्लेक्स रियल, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे यहाँ से भी, जो कि स्टूडेंट्स सॉल्व आराम से कर सकते थे। और इसीलिए आज के इस सीएसआर नेट जून 2023 मैथमेटिक्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जो हमारा कट ऑफ जो लास्ट अटेम्प्ट में 100 से भी कम आया था, शायद वो संभव है कि इस अटेम्प्ट में 100 या फिर 104 तक पहुंच जाए। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो जनरल कैटेगरी के लिए 52%, ईडब्ल्यूएस के लिए 46%, ओबीसी के लिए 45%, एससी के लिए 36%, एसटी के लिए 27% एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 25%, जो कि जेआरएफ के लिए होना चाहिए। एंड एलएस के लिए 47% फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 42%, ओबीसी के लिए 40%, एससी के लिए 32%, एसटी के लिए 25% एंड ऑफकोर्स पीडब्ल्यूडी इसके लिए भी 25%। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्क्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 104 इतने मार्क्स का हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रख सकते हैं। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नोट हमें करनी होगी कि इस अटेम्प्ट का जो एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम जून 2023 एंड दिसंबर 2022 ये दोनों एग्जाम को मर्ज करके किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2022 के एग्जाम में क्वालिफाई होने वाले थे, जिनको जेआरएफ मिलने वाली थी और जिनको जून 2023 में मिलने वाली थी, उनको कंबाइन करके क्वालिफाई करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई जो होंगे, शायद वो इस अटेम्प्ट में ज्यादा हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो कट ऑफ फिर से कम आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा क्वालिफाई होंगे मतलब जो कट ऑफ होगा वो क्या होना पड़ेगा, वो कम होना चाहिए। तो अगर वो अगर हो रहा है तो शायद ये फिर से संभव है कि ये जो 52% आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कम होकर 100 तक चला जाए, ठीक है, 100 या फिर 99 तक वो फिर से चांसेस से चले जाने के। तो हमारे हिसाब से जो पेपर एनालिसिस हुआ था, उसको कल हमने वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था, रियल का, लीनियर का, कॉम्प्लेक्स का, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का था, अप्लाइड मैथमेटिक्स का था, और इन सभी के बारे में बात करने जाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको पेपर अच्छा नहीं गया होगा, तो अभी बहुत नाराज होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपको फिर से मौके मिलने वाले हैं। दिसंबर में फिर से एग्जाम है, तो आप स्टूडेंट्स फिर से अभी से एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दम के साथ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आईएफएस के साथ जुड़ के, आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे या फिर आईएफएस के बैच में, कहीं पे भी आईएफएस के साथ जुड़ के आप इस सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फिर से जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के लिए आईएफएस हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो मंडे से स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके ऊपर आपको फ्लैट 30% ऑफ भी मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इस ऑफर के बाद आपकी फीस भी बहुत कम, मतलब 70% फीस ही आपको इस बैच के लिए पे करनी पड़ेगी, जिसमें अगेन बहुत सारे फीचर्स के साथ आईएफएस के ऐप में आपको एंट्री मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जरूर इस बैच में ज्वाइन करेंगे। और मंडे से खुद रियल एनालिसिस का कोर्स लेके मैं इस बैच में ज्वाइन करने वाला हूँ, तो मंडे को हम इस बैच में जरूर मिलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।